हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएल लर्निंग। एचएल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हम लोग हिंदी लैंग्वेज आंसर की देखेंगे, जो कि असम 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर तारीख को, उसका हम लोग एलपी सेक्शन का जो हिंदी लैंग्वेज है उसका आंसर की देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कबीर भक्ति काल के किस धारा के कवि है, किस धारा के कवि है? इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञानाश्री। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित कौन सी पंक्ति अशुद्ध है, कौन सी पंक्ति अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माला ने पुस्तक पढ़ चुकी है। नेक्स्ट, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही होता है, कौन से करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी मन। निम्नलिखित में से हिंदी की लिपि है, हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी जो है हिंदी की लिपि है। हिंदी भाषा में बोलियाँ की संख्या है कितनी है? 18 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? उसका सिर खुजलाता है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो अपना सिर खुजलाता है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो अपना सिर खुजलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, हिंदी के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार है, कौन सी है? हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट, हिंदी की प्रमुख बोलियाँ है ब्रज भाषा और अवधी। नेक्स्ट, हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, रामचरित मानस किसकी रचना है, किसकी रचना है? तुलसीदास जी का। वा आ का उच्चारण स्थल है क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कंठ। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का आशय है, इसका क्या आशय है? इसका आशय है मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। नेक्स्ट, बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अक्षर सिखाना ज़्यादा आवश्यक है लिखना सिखाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षा में करना चाहिए। गोदान उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट, कबीर के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी रामानंद। नेक्स्ट 139, क्रोध किसका निबंध है, क्रोध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, लोटा शब्द से गिरा कौन सा कारक है, इसका करेक्ट आंसर होगा अपादन कारक। नेक्स्ट, घोड़ा हिनहिनाता है कौन सी क्रिया है? 142 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाम धातु। नेक्स्ट, सूरदास ने किस रस का मुख्य रूप से प्रयोग किया है, इसका करेक्ट आंसर होगा वत्सल। नेक्स्ट 144,
दाल गलना का आशय है, इसका मतलब क्या है? मतलब निकालना। दाल गलना का आशय है मतलब निकालना। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है कामायनी महाकाव्य के रचयिता। नेक्स्ट, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, कक्षा के अंदर कक्षा के बाहर दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, झपट का समानार्थी क्या है? झपट का समानार्थी है सिन्ना। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट, तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? रामलला नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, आज के लिए लास्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला है? 1903 ईस्वी में। यह था असम 2019 का हिंदी लैंग्वेज LP सेक्शन का। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।